नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ऑल एचपी नोटिफिकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में मैं आपको आज 16 नवंबर 2022 की हिमाचल प्रदेश की आज की सभी टॉप 10 ताज़ा खबरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जो है शुरू करते हैं आज की टॉप 10 ताज़ा खबरें। तो देख सकते हैं आज की पहली ताज़ा खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है, हिमाचल एचपीयू शिमला में पीएचडी करने के लिए पास करनी होगी प्रवेश परीक्षा। तो एचपीयू की शैक्षणिक परिषद की स्टैंडिंग कमेटी ने मंगलवार को ही बैठक में फैसला लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के नियमों को अपनाकर नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। हिमाचल वेदर बर्फबारी से हिमाचल में ग्राम्फू काजा सामदो सहित 146 सड़कें बंद, 143 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो मंगलवार को हालांकि मौसम खुल गया, लेकिन गत दिन हुई बर्फबारी के चलते प्रदेश में अभी भी 146 सड़कें बंद हैं और 143 बिजली के ट्रांसफार्मर ठप पड़े हैं। जलोड़ी दर्रा और मनाली ले मार्ग केलांग तक वाहनों के लिए बहाल हो गया है, लेकिन दोनों मार्गों पर दोपहर के समय ही वाहन जा सकेंगे। रोड एक्सीडेंट, 200 मीटर खाई में गिरी कार, दंपति की मौत, बेटी लापता। तो किन्नौर जिले के युल्ला संपर्क मार्ग पर बस स्टैंड के नज़दीक कार के 200 मीटर गहरी खाई में गिरने से दंपति की मौत हो गई है, जबकि बेटी अभी तक लापता है। हादसा उस समय हुआ जब परिवार टापरी बाजार से युल्ला अपने घर की ओर जो है जा रहे थे। कांगड़ा सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता शुरू, लड़कों में पंजाब, लड़कियों के वर्ग में महाराष्ट्र जीता। तो 47वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभ आरंभ उपायुक्त डॉक्टर निपुण जंदल ने किया। अंडर 14 बास्केटबॉल प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 51 टीमों के 800 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शिमला कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने वाले 5 कर्मियों पर कार्रवाई की तलवार। तो विधानसभा चुनाव के लिए मतदान से कुछ दिन पहले इन कर्मचारियों ने सोशल मीडिया में पोस्ट डालकर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की थी। अब इन कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। मंडी, भाजपा के पूर्व मंत्री का ऑडियो वायरल, बोले पार्टी ने पैसे वाले को दिया टिकट। तो वीडियो में पूर्व मंत्री कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमसे बड़ी जायदाद की, एक पुराने आदमी को दरकिनार कर दिया और एक नए आदमी को जो पैसे वाला है उसे टिकट दे दिया, इसका बदला चुकाओ। बिलासपुर में जो है चंदन के 9 पेड़ काटे, लोगों की मुस्तैदी से भागे वन कट्टू। तो बिलासपुर जिले में एक बार फिर से चंदन के पेड़ों पर आरी जो है चली है। देर रात बिलासपुर शहर के साथ लगते ऑयल गांव स्थित इको पार्क में जो है चंदन के 9 पेड़ वन कट्टुओं ने काट डाले, लेकिन ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों की सतर्कता से वन काटे गए पेड़ों को ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। मनाली 4 रजत पदक जीतकर जो है मनाली पहुंची अंतर्राष्ट्रीय स्कीयर आंचल, बोली ओलंपिक में देश के लिए खेलना लक्ष्य। तो आंचल ठाकुर ने कहा कि विभिन्न वर्ग में उन्होंने 4 पदक भारत की झोली में डाले। उन्होंने कहा कि भारत में शीतकालीन खेलों के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। रेतीले देश दुबई में कृत्रिम बर्फ के बीच शीतकालीन खेलें हो रही हैं। चंबा चुनाव ड्यूटी पर आए कृषि विभाग के कर्मचारी की मौत। तो चंबा जिले के चुआड़ी में ड्यूटी देने के लिए चंबा पहुंचे बिलासपुर के एक कर्मचारी की मौत हो गई। सोमवार देर रात सीने में असहनीय दर्द होने पर उन्होंने जो है मेडिकल कॉलेज चंबा पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हिमाचल 8 साल बाद किसी वेट लिफ्टर को जो है अर्जुन अवार्ड, विकास ठाकुर के घर में जश्न। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमीरपुर जिले के जो है पटनौर के रहने वाले वेटलिफ्टर विकास ठाकुर का चयन अर्जुन अवार्ड के लिए होने से प्रशंसकों में खुशी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें जो है 30 नवंबर को दिल्ली में होने वाले समारोह में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित करेंगी। रोपवे कुल्लू के मठासौर में बनेगा रोपवे, पर्यटन पकड़ेगा रफ्तार, खुलेंगे रोजगार के द्वार। तो रोपवे लगने से जो है इस जगह पर पर्यटकों के लिए पहुँचना आसान हो जाएगा। वर्तमान में यहां तक पहुंचने के लिए पैदल ही रास्ता नापना पड़ता है। मठासौर पहुंचने के लिए भलियाणी से होकर करीब 1 घंटे का पैदल सफ़र है। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी की परीक्षाओं का शेड्यूल जो है जारी कर दिया गया है। तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग पहले साल की वार्षिक परीक्षाएँ 1 दिसंबर को शुरू होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए फॉर्म 15 से 20 नवम्बर तक जो है भरे जाएंगे।
भाजपा ने कमजोर की अर्थव्यवस्था, नेता प्रतिपक्ष बोले सरकार की नाकामियों के कारण बढ़ा कर्ज। तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अव्यवस्था के साथ कर्ज का बोझ भाजपा ने लादा है, यह अपने आप में भाजपा सरकार की असफलता है। आबकारी विभाग में सेवाएं देंगी पुलिस, सरकार ने 73 जवान भरने की दी है मंजूरी, आचार संहिता में रुकी फाइल। साइबर ठगों के निशाने पर पूर्व सैनिक, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेशन संबंधी कॉल से छात्र जुटा रहे जानकारी। तो दर्जनों सावधानियां बरतने के बावजूद भी साइबर ठगी के मामले नहीं रोक पा रहे हैं। वजह साफ है कि हैकर आए दिन नए नए हथकंडों से ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पीजी कोर्सेज में अब क्रेडिट सिस्टम। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पीजी कक्षाओं में संस्कृत विभाग में नया विषय जो है शुरू होगा। मंगलवार को डीन ऑफ स्टडी कुलभूषण चंदेल की अध्यक्षता में हुई स्टैंडिंग कमेटी ऑफ अकादमिक काउंसलिंग की बैठक में यह फैसला लिया गया। कर्मकांड विषय को संस्कृत विभाग में नए विषय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। मिड डे मील परोसने वाले स्कूलों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत करवानी होगी रजिस्ट्रेशन। सुजानपुर के साथ प्रदेश में भी जीत रही भाजपा, धूमल। तो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने जो है मंगलवार को टौणी देवी में पार्टी कार्यालय में सुजानपुर भाजपा मंडल के सभी 104 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान के बारे में सभी ग्राम केंद्रों के अध्यक्षों व सेक्टर प्रभारियों सहित मंडल के पदाधिकारियों से फीडबैक ली। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी कैप्टन रणजीत सिंह राणा भी मौजूद रहे। तो दोस्तों ये थी आज की जो है टॉप 10 ताज़ा खबरें। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।